एवरीवन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीन इट्स। आज हम बनाना सीखेंगे बहुत ही आसान स्लिपर फ्लैट नेट एडल्ट साइज के लिए। 5 से लेकर 9 नंबर का जो जूता पहनते हैं उनको ये आ सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रेची होते हैं। बट अगर आपने बड़ी साइज के लिए सीखना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या बच्चे के लिए सीखना है तो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। एंड आप बिगिनर भी हैं तो ये बहुत ही आसानी से बना सकती हैं क्योंकि मैं इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको नाप बताती जाऊंगी। बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे जो मैंने ऊन लिए वो 2 कलर है, आप एक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो ऊन है साइज वो 3 ply ऊन है और 5 mm निडल है। आप कोई भी साइज की ऊन और सिलाई इस्तेमाल कर सकते हैं, बस नाप को और तरीके को फॉलो कीजिएगा जो मैं आपको बताऊंगी। आई एम यूजिंग 3 ply यार्न एंड 5 mm निडल्स। यू कैन यूज एनी साइज ऑफ निडल एंड यार्न, जस्ट फॉलो मेथड एंड मेजरमेंट्स। आई एम यूजिंग DPNs जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट यू कैन यूज एनी निडल्स, स्ट्रेट निडल्स। आप कोई भी सीधी सिलाई इस्तेमाल कर लें, DPNs सिखाने के लिए बस मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। यू कैन यूज 1 color ओनली इफ यू वॉन्ट टू, बट आई एम यूजिंग 2 color, सो यू कैन चूज एनी 2 colors। आप कोई भी 2 color ले लो जो आपके पास, इवन लेफ्ट ओवर वूल से भी बनाओ। अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं, बट उससे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको सारी वीडियोज रिसीव हो जाया करें। ये बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते हैं। वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर करें, बताएं आप कहाँ से देख रहे हैं। ये साइज जो मैं बना रही हूँ उसके लिए मैं 44 फंदे डालूंगी सिलाई पे, 44 stitches, कास्ट ऑन 44 stitches विथ एनी मेथड यू नो। इफ यू वॉन्ट टू फॉलो दिस कास्ट ऑन मेथड, सर्च कास्ट ऑन बाय क्लीन इट्स। आप किसी भी तरीके से सिलाई पे फंदे डाल लें, अगर आपने ये वाला तरीका इस्तेमाल करना है तो आप सर्च करें कास्ट ऑन बाय क्लीन इट्स। 44 stitches मैंने यहाँ पे सिलाई पे डाल लिए हैं। आई हैव 44 stitches हियर, 44 फंदे। फंदे डाल लेने के बाद सिलाई पे आपने क्या करना है, एक सीधे एक उल्टे वाला बॉर्डर बुनना है। वी आर गोइंग टू निट 1 into 1 rib। क्या करेंगे, पहली सिलाई row 1, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। निट मतलब सीधा फंदा, पर्ल मतलब उल्टा फंदा। निट 1 stitch, Purl 1। इसी तरह रिपीट करेंगे, रिपीट करते जाएं, जस्ट रिपीट दिस, knit 1 purl 1 ऑन ऑल स्टिचेस। सारे फंदों पे एक सीधा एक उल्टा फंदा करके बुनते जाएंगे। अगर आप बिगिनर हैं और आपको नहीं आता तो मैंने मेरे लेसन्स देखें, निटिंग लेसन्स बाय क्लीड निट्स, जिसमें मैंने ये डिटेल से सिखाई है। मैंने बिगिनर सीरीज शुरू की है तो आप वो ज़रूर देखिएगा। अब ये पहली सिलाई बुन लेती हूँ, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा फंदा करके हम सारे फंदे बुन लेंगे। एक सीधा फंदा और एक उल्टा फंदा, knit 1 purl 1। तो पहली सिलाई हमारी पूरी हो गई है, row 1 is completed। नाउ row 2, दूसरी सिलाई। हमने वैसे क्या करना होता है एक सीधे एक उल्टे में, कि दूसरी जो रिटर्न रो होती है सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा फंदा बुनते हैं, बट मैं आपको करके दिखाती हूँ। row 2 will be same as row 1, पहली सिलाई की तरह ही होगी दूसरी सिलाई भी। क्या करना है ये देखें, ये सीधा फंदा दिख रहा है आपको, आपने सीधा ही बुनना है। बिगनर को ये नहीं पता होता सीधा कैसा दिखता है उल्टा कैसा, तो ये देखें ये उल्टा दिखता है इस तरह से बम्पी बम्पी सा, और ये देखें ये सीधा इस तरह शेप होता है इसका। तो आपने क्या करना है, सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा फंदा बुनते जाना है। अब यहाँ से अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन हो तो बस आपने उसी तरह जैसे पहली सिलाई है ना, हर सिलाई ऐसे ही बॉर्डर की बुननी है, एक फंदा सीधा एक उल्टा। ये सीधा बुना, अब धागा आगे करके एक फंदा उल्टा बुनेंगे। यार्न बैक, knit 1, यार्न फ्रंट, purl 1, जस्ट knit 1 purl 1 ऑन ऑल स्टिचेस। ये देखें एक सीधा एक उल्टा, धागा पीछे करके आप एक सीधा बुनेंगे, धागा आगे करके आप एक उल्टा बुनेंगे, फिर से धागा पीछे एक सीधा बुनेंगे, फिर से धागा आगे और ये एक उल्टा बुनेंगे। इसी तरह से आप सारे फंदे बुन लें। ये हमारी दूसरी सिलाई है। अब दूसरी सिलाई और सारी बॉर्डर की सिलाइयाँ जो हैं वो इसी तरह आप बुनेंगे, उसके बाद हम दूसरा कलर ऐड करेंगे। 1 inch तक मैंने इसको बुन लिया है, एक सीधा एक उल्टा करके। 1 inch लेंथ आई हैव फॉर द बॉर्डर और मैं निडल के नीचे से नाप रही हूँ। और सिलाइयाँ अगर मैं आपको बताऊँ तो सिलाइयाँ हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और ये 5। 5 सिलाइयाँ बुनी है यहाँ पे मैंने और मुझे 1 inch लेंथ मिली है। अगर आपको 5 सिलाइयाँ नहीं मिली हैं
और लेंथ मिल गई है तो आप बेशक दूसरा कलर ऐड कर लेंगे या डिज़ाइन शुरू करेंगे ऊपर गार्टर स्टिच की। पर आपने दूसरा कलर अगर मिलाना है ना तो आपने राइट साइड से ही मिलाना है। अगर आप रॉन्ग साइड पे हैं और आपको 1 इंच लेंथ मिल गई है तो आप वापस आएँ और राइट साइड, ये देखें ये वाली डिज़ाइन है ना, ये राइट साइड है। 5 rows I have and 1 inch length. Now I am going to add other color, join other color. मैं दूसरा कलर ज्वाइन करूंगी, इसको आप बेशक काट लें इस वाले धागे को। मैं यहाँ पे देखें ये कलर ऐड करूंगी। अगर आप दूसरा कलर ऐड नहीं करना चाहते ना, नहीं मिलाना चाहते, तो आप क्या करेंगे, बस यहाँ से अब सारी सिलाइयाँ सीधी सीधी बुनते जाएंगे। दूसरा कलर ऐड अभी मैं कर रही हूँ राइट साइड से, फ्रॉम राइट साइड निट ऑल स्टिचेस विथ कलर बी। कलर बी इसलिए बोल रही हूँ कि आपके पास तो कोई भी कलर हो सकता है, ज़रूरी नहीं ये हो। तो निट ऑल स्टिचेस, तो पहले आप क्या करेंगे, धागा मिलाया ना, तो अब आप क्या करेंगे, ये जो दो यहाँ पे धागे लटक रहे हैं ना, ये आपने पीछे की तरफ कर देने हैं यूं करके ऐसे। अब सारे फंदे सीधा सीधा बुनते जाएंगे। नाउ नेट ऑल स्टिचेस, आफ्टर निटिंग बॉर्डर रो 1। बॉर्डर बुन लेने के बाद पहली सिलाई आप इसे बोल सकते हैं, और ये राइट साइड से है, सीधी साइड से है। रो 1 कंप्लीटेड, पहली सिलाई पूरी हो गई है, और ये इस तरह से आपको दिखेगा, ये इसकी रॉन्ग साइड है, उल्टी साइड इस तरह से दिखेगी आपको। अब पहली सिलाई पूरी हो गई है बॉर्डर के बाद वाली, अब सारी सिलाई आपने इसी तरह बुननी है। जस्ट कीप रिपीट रो 1 आफ्टर द बॉर्डर रो 1, निट ऑल स्टिचेस ऑल रोज गार्टर स्टिच टोटल फॉर 5 inches फ्रॉम द कास्ट ऑन। ही एक सिलाई आप रिपीट करते जाएंगे, सारे फंदे सारी सिलाइयाँ सीधी सीधी बुनेंगे आप, ये जो अभी मैंने बताई आपको इस कलर से, जब तक आपके पास टोटल 5 inches लेंथ नहीं आती है कास्ट ऑन से, यहाँ से लेकर मैं आपको नाप के दिखाऊंगी। आपको एक दफ़ा और करके दिखाती हूँ, ये देखें रॉन्ग साइड से भी उसी तरह ही होगा। नेट ऑल स्टिचेस रो 2 विल बी सेम एज रो 1। अब थोड़ा सा ये बिगनर के लिए दिखा रही हूँ मैं आपको, थोड़ा सा पहले फंदे को आपने टाइट रखना है। जब भी आप पहला फंदा बुनेंगे तो उसको थोड़ा सा टाइट रखिएगा, वो लटकेगा नहीं। अक्सर लेडीज मुझसे पूछती हैं कि यहाँ से लूज हो जाता है, इसलिए कि पहले फंदे को आपने थोड़ा सा टाइट रखना है, बाकी ग्रिप नॉर्मल रखें आप। दूसरी सिलाई भी यहाँ पे पूरी हो गई है। अब यहाँ से धागा मिलाया था तो इसको, ये धागा फंदा थोड़ा लूज होगा तो आपने क्या करना है, इसको खींच लेना है थोड़ा सा टाइट करके। अब उसी तरह तीसरी सिलाई भी, चौथी सिलाई भी, पांचवी सिलाई भी, छठी सिलाई भी, सारे फंदे सीधे सीधे, पहले फंदे को थोड़ा सा टाइट खींच लीजिए। 5 inches तक मैंने यहाँ पे इसको बुन लिया है, 5 inches विड्थ आई हैव। विड्थ मैं आपको बताती हूँ कैसे विड्थ, देखें इस तरह से गोलाई, ठीक है ना, पैर के लिए। अब अगर आपने बड़ी साइज बनानी है, अपने लिए बना रहे हैं, किसी छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं, तो आप फंदे डाल के नाप के देख सकते हैं कि भाई मुझे कितनी टोटल नाप चाहिए। तो यहां से लेकर यहां तक तो हम आ गए हैं, अब हमने ये वाला इस तरफ वाला बॉर्डर बुनना है। तो इस साइज के हिसाब से 5 inches, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रेची है तो छोटे बड़े साइज भी पहन सकते हैं। राइट साइड है ये, देखें ये आपको अब आसानी से पता चल जाएगा, क्योंकि देखें रॉन्ग साइड से ये वाला बम्पी बम्पी सा दिखता है ये। आफ्टर निटिंग 5 inches वी विल निट बॉर्डर फ्रॉम अदर साइड विद दिस कलर। अब ये बुन लिया 5 inches, अब ये वाला बॉर्डर मिलाएंगे यहाँ पे, ये कलर मिलाएंगे, तो उसी तरह के तरीके से मिलाएंगे। देखिए राइट साइड है, दिस इज राइट साइड रो 1 विथ कलर ए, निट ऑल स्टिचेस। निट ऑल स्टिच क्यों कर रही हूं, देखें अगर आप सेम कलर से बना रहे हैं ना, तो आपने क्या करना है, एक सीधा एक उल्टा बुनते जाना है। बट मैं दूसरे कलर से मिला रही हूं, तो कलर जब भी ज्वाइन करना होता है तो आपने क्या करना होता है, एक सिलाई सीधी बुननी होती है। वो इसलिए कि ये से इस तरह के आपको दूसरे धागे के फिर बम्प्स नजर आएंगे उस तरफ से भी। अब दोनों धागों को आप इस तरफ कर लेंगे, ये भी आपने काट लेना है, ये वाला जो पिंक वाला कलर भी। अब सारे फंदे सीधे बुन लें रो 1 आफ्टर निटिंग 5 inches। पहली सिलाई यहाँ पे पूरी हो गई है, रो 1 कंप्लीटेड फॉर दिस साइड बॉर्डर। नाउ रिटर्न रो, नेक्स्ट रो 2,
निट वन पर्ल वन ऑन ऑल स्टिचेस, एक फंदा सीधा बुनेंगे एक फंदा उल्टा बुनेंगे इस तरह से। अब सारे फंदे आपने इसी तरह बुन लेने हैं, निट वन पर्ल वन, निट वन पर्ल वन, जिस तरह से ये वाला बॉर्डर बुना। रो टू यहाँ पे कंप्लीट होने वाली है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाह रही हूँ बिगनर के लिए। देखिए आगे धागा करके आखिरी फंदे को आपने उल्टा बुन लेना है और यहाँ पे धागा मिलाया है तो थोड़ा सा लूज है, तो आपने क्या करना है इसको खींच लेना है। जब भी हम धागा मिलाते हैं तो वो फंदा थोड़ा सा लूज हो जाता है जब रिटर्न आते हैं हम, तो ये दूसरी सिलाई भी पूरी हो गई। अब रो थ्री सेम एज रो टू, तीसरी सिलाई जो होगी दूसरी सिलाई की तरह ही होगी। आपने क्या करना है, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा करते जाना है, निट वन पर्ल वन। मैं बिगनर के लिए दिखा रही हूं, आप बस यही रिपीट करते जाएं, जस्ट रिपीट दिस सेकंड रो इसी तरह से, बस एक सीधा ये सीधा एक उल्टा, सारे फंदे इसी तरह बुन ले। तीसरी सिलाई भी ऐसी होगी, चौथी पांचवी ऐसी तरह ही होंगी सारी सिलाइयां। एक इंच तक ये वाला बॉर्डर भी बुन लिया है, वन इंच बॉर्डर आई है फ्रॉम दिस साइड एज वेल। नाउ निट एंड बाइंड ऑफ ऑल स्टिचेस, वी विल डू रिबिंग बाइंड ऑफ। इफ यू डोंट नो हाउ टू डू रिबिंग बाइंड ऑफ, सर्च रिबिंग बाइंड ऑफ बाय क्लीड निट्स। एक इंच बुन लिया है, अब राइट साइड से हमने क्या करना है, फंदों को बंद करना है। फंदों को कैसे करेंगे, रिबिंग बाइंड ऑफ करेंगे। अगर आपको नहीं पता रिबिंग बाइंड ऑफ कैसे होता है तो मैंने सेपरेट वीडियो डाली हुई है, दो सीधे रिबिंग मतलब एक सीधा एक उल्टा, दो सीधे दो उल्टे, तो इस पे किस तरह बाइंड ऑफ करना है सेपरेट वीडियो भी है बिगनर के लिए, बट मैं इधर भी बता रही हूँ आपको। सो बाइंड ऑफ रो, निट ऑन निट स्टिच, सीधे फंदे को सीधा बुनेंगे, धागा आगे करके उल्टे फंदे को उल्टा बुनेंगे और फिर पहले वाले को दूसरे वाले के ऊपर से गुजार के गिरा देना है। अगेन जस्ट कीप रिपीटिंग दिस, निट ऑन निट स्टिच, पर्ल ऑन पर्ल स्टिच एंड कीप क्लोजिंग देम। अब आपने क्या करना है, धागा पीछे करना है, बस इसी तरह से सीधे फंदे को सीधा बुनेंगे, उल्टे फंदे को उल्टा बुनेंगे, सॉरी सीधे फंदे को सीधा बुना, फिर ये वाला इसके ऊपर से गुजार दिया, फिर अब देखें ये उल्टा मिला हुआ है ना, तो इसको उल्टा बुनेंगे और ये वाला इसके ऊपर से फंदा गुजार के गिरा देंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, आगे वाला सीधा मिला हुआ है इसको आपने सीधा बुनना है और ये वाला इसके ऊपर से गुजार देना है। मतलब सीधे फंदे को सीधा बुनते जा रहे हैं आप, उल्टे फंदे को उल्टा बुनते जा रहे हैं आप, और ये वाला फंदा इसके ऊपर से पीछे वाला गुजार के गिरा देंगे, फिर धागा पीछे ये वाला सीधा फंदा बुनेंगे और इसके ऊपर से गिरा देंगे। सारे फंदे बंद कर लेती हूँ। Without stretching 6 inches width I have, width and without stretching 9 inches length I have, बिना खींचे मेरे पास 6 इंच इसकी width है, मतलब पैर की गोलाई, और बिना खींचे length है मेरे पास 9 inches लंबाई, पैर की लंबाई। अब आपने देखना है कि आपके पैर की लंबाई क्या है, तो आप उसको छोटा भी कर सकते हैं बड़ा भी कर सकते हैं। अब हमने इसको सीना है तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ। आप देख रहे हैं कि हमने इसको सिया है एक साइड ऊपर करके, तो होगा यूं कि आपने इसको उल्टी साइड से, हमने इसको उल्टी साइड से सीना है। ये धागे आप बाद में वेवन कर दीजिएगा, कोई भी साइड आप आगे वाला हिस्सा रख सकते हैं, जहां पे धागे बचे हुए हैं मैं उस तरफ से इसको फ्रंट से बंद कर रही हूं क्योंकि धागे हमें सीने के काम आएंगे। तो आपने क्या करना है, एक पैर के लिए आपने एक साइड अंदर करके दूसरी साइड इसके ऊपर यूं कर लेनी है। ये दिमाग में रखना है कि ये पॉइंट कॉर्नर पे होने चाहिए। एक के लिए आपने ये वाला और ये बाहर निकाल के इसका जो कोना है ना यहाँ पे वो बिल्कुल इधर, ये इधर और ये इधर, इस तरह से एक साइड आपने इस तरह पकड़नी है। अब दूसरे पैर के लिए आपने क्या करना है, उल्टी साइड ही रखनी है, ये देखिए उल्टी साइड है ना, ये वाली उल्टी साइड है, ये सीधी है। दूसरे पैर के लिए आपने ये अंदर और ये बाहर करना है, बस फर्क यही आएगा। देयर इज ओनली डिफरेंस फॉर वन स्लिपर वन साइड यू नीड टू ज्वाइन देम लाइक दिस। For the other side slipper,
you will keep this side inside and this side on the top. This is the only difference in these slippers is you will knit the same way. Just while joining them, one slipper side is like this and the other slipper side is like this. फिर से बताती हूँ, एक पेयर के लिए आपने इस तरह इसको ज्वाइन करना है जो कि मैंने ये वाला इसी तरह किया है. अब दूसरे पेयर के लिए आपने क्या करना होगा, दूसरी साइड अंदर करके एक साइड ऊपर कर देनी है. और कोई फर्क नहीं है, बस यही आपने जब सिलाई मारनी है तो यही ख्याल रखना है. अब मैं आपको सी के दिखाती हूँ. अब बड़ा वाला धागा मैंने ले लिया. अब ये कॉर्नर इधर रखना है आपने और ये इधर. अगर आपको समझ ना है ना कि अंदर वाला कहाँ रखना है, तो आपने क्या करना है, बस ये ख्याल रखना है कि ये वाला जो पॉइंट हो वो यहाँ पे आ जाए और इसको बाहर थोड़ा सा खींच ले. अब इसको हम सिलाई लगाएंगे. तो ये तो है बीच में, तो हमने क्या करना है, पहले पहले इसको आपने यूं यहाँ पे फिक्स कर लेना है और उसके बाद हम इसको बाहर की तरफ ले जाएंगे. इधर से आगे को हम बाहर की तरफ ले आए हैं, इसको थोड़ा सा और फिक्स कर लें, सेट कर लें. अब यहाँ से बिल्कुल ये जो आप देख रहे हैं इसका कॉर्नर कोना, यहां से मिलाते जाएंगे. अब एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि ये जो तीन लेयर्स हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इन तीनों को सीना है साथ में. ऐसा ना हो कि कोई चीज आप नीचे छोड़ दें और खाली दो को मिला दें, फिनिशिंग अच्छी नहीं होगी. तो बस ऊपर ऊपर से देखें, इस तरह से आपने सुई अंदर डालनी है इसमें, तीनों तीनों लेयर्स में, ये तीनों जो है ना हिस्से तीनों में, और इसको खींचते जाना है टाइटली. फिर से ये एक लेयर, ये दूसरी लेयर और ये तीसरी. फिर से खींच लें इसको. फ्रंट से इसको हमने सी दिया है. अब इसको सीधा करें आप और इसको हमने यहाँ से टॉप से बंद करना है, ये ऊपर वाला हिस्सा. अब आपकी मर्जी है कि आप कितना इसको बंद करना चाह रहे हैं साइज के हिसाब से, कि भाई कौन सी साइज आप बना रहे हैं. यहाँ तक बंद करना है, यहाँ तक बंद करना है, यहाँ तक बंद करना है, ये साइज के हिसाब से आप अपने पैर पे पहन के भी देख सकते हैं कि कितना बंद करना है. अब आप यहाँ पे देखें कि ये साइड इधर टॉप पे चली गई और ये साइड इधर टॉप पे आएगी. बाकी आप पहने कौन कोई सा भी स्लिपर किसी भी पैर में आपकी मर्जी है, राइट और रॉन्ग साइड का कुछ भी नहीं है. अब ये वाला एक धागा हम लेंगे और यहां पे ऊपर वाला हिस्सा इसका सी लेंगे. बहुत ही आसान तरीका है. अब पहले बिल्कुल कॉर्नर से इसको यहाँ पे आप निकालें बाहर और यहां से आप पकड़ लें यहां से. इसलिए अगर आपका हाथ रहेगा तो आप गलती से नीचे वाला हिस्सा नहीं सीएंगे. इधर से आप इसको सीते जाएंगे. पहले आप इस तरफ लेकर आएंगे धागे को और बिल्कुल इसके ऊपर बॉर्डर के ऊपर यहां से बंद करते जाएंगे और जितना भी आपने ऊपर से बंद करना हो बंद करके और फिर यहां पे आके टाका लगाएंगे. मैं आपको करके दिखाती हूं थोड़ा और. साथ साथ करते और खींचते जाइएगा ताकि कहीं पे अटके ना.
देखें, दोनों ऊपर से और नीचे वाले बॉर्डर को मिला के, बॉर्डर के ऊपर, ज्यादा पीछे ना कर दीजिएगा आप। ½ इंचेस यहाँ पे मैंने इसको सी लिया है यहां तक। अब यहां से लेकर मैंने ऊपर इसको सीना है, क्योंकि यहां पे मैंने बॉर्डर के सीधा सीधा ऊपर ऊपर सिया है, अब यूं करके सीना है। ½ इंच तक बंद किया है ऊपर। बैक साइड बंद करेंगे, उसके लिए आपने यहाँ पे धागा फिक्स कर लेना है। आगे को फिक्स कर लिया। अब आप क्या करेंगे, एक ये आखिरी फंदा देख रहे हैं ना, लास्ट स्टिच यहाँ पे, यहाँ से हमने दो लाइनें लेनी है रोज की, दो लूप बोल लें, दो स्टिचेस बोल लें, ये आखिरी यहां से भी। अब आप कहेंगे कि मैंने सेम कलर ये वाला क्यों नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रही हूं कि आप इस पे ए कलर और इस पे बी कलर यूज करें, क्योंकि जैसे मैं यहां पे इसको बंद कर रही हूं, इसमें ये धागा छुप जाएगा, नहीं दिखेगा। मैं आपको अभी करके दिखाती हूं। और जिस तरह हम गार्टर स्टिच को बंद करेंगे, गार्टर स्टिच का दूसरा तरीका होता है, तो उसमें वो धागा दिखेगा, तो इसलिए मैं आपको एक ही धागे से बंद करके दिखा रही हूं। आप चाहें तो यहां तक आप एक धागा इस्तेमाल कर लें, ये वाला, और उसके बाद यहां तक दूसरा, लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि ये देखिए मैं यहाँ पे इसको खींच रही हूं, तो ये इसमें अंदर छुप जाता है, नहीं दिखता। और इसको भी वेव इन करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं दिखेगा यहां से। अब यहां पे हम जो तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आप चाहें तो यहां से भी वो वाला इस्तेमाल कर लें, यहां से फंदे लेकर, लेकिन गार्टर स्टिच वाला, ये गार्टर स्टिच की आप रिज देख रहे हैं ना, यहां से आपने एक गार्टर स्टिच की रिज लेनी है, और ये भी गार्टर स्टिच की लाइन देख रहे हैं ना, यहां से भी आपने, यहां से ये लूप उठाना है एक रिज वाला। इस तरह से हम इसको बंद करते जाएंगे। स्लिपर रेडी हो गए हैं, ये बनाइएगा जरूर, और मेरे साथ इंस्टाग्राम पेज क्लीन नेट्स पे तस्वीरें जरूर शेयर कीजिएगा। उसके अलावा मेरा व्लॉग चैनल है मेरी बेटी के नाम से, तो वो आप जरूर फॉलो करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। अल्लाह हाफिज।